अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ समिया आमिर एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समियाज कुकिंग हब। आज मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में घर पर खोया तैयार करना सिखाऊंगी, क्योंकि खोया हर जगह से नहीं मिलता, मार्केट में इसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। अगर मिल भी जाए तो चूँकि ये डेयरी प्रोडक्ट है यानी दूध से तैयार किया जाता है, इसलिए इसमें बहुत जल्दी बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है। जब हम इसे मार्केट से लेकर आते हैं तो अक्सर ये खट्टा होता है और आउट ऑफ कंट्री तो इसका मिलना नामुमकिन है। इसी खोए के साथ आप गुलाब जामुन, मिठाइयाँ और बहुत से हलवे तैयार कर सकते हैं। तो चलें आज हेल्दी इंग्रेडिएंट्स के साथ खोया घर पे तैयार करते हैं। इसके लिए कोई सा एक पैन ले लें और उसमें 200 ml दूध डाल दें। ये एक कप से बिल्कुल थोड़ा सा कम है। फिर उसके बाद इसमें 1/4 cup घी डाल दें। मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ, देसी घी से इसका जायका बहुत अच्छा बनेगा। दो से तीन इलायचियों को पीस के उसका पाउडर बना के इसमें डाल दें। अब जैसे इसको बॉयल आया है मैं इसका फ्लेम बंद कर रही हूँ और इसमें 2 cup यानी 250 grams ड्राई मिल्क डाल दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। फ्लेम इस वक्त बंद है, ये देखें, सिर्फ दूध को जो हमने बॉयल किया था उसी में हम ड्राई मिल्क को मिक्स कर देंगे। आप देखें कि इसकी शक्ल बिल्कुल खोए की तरह होती जा रही है। सिर्फ 2 मिनट इसको मिक्स करने से देखें इसका टेक्सचर बिल्कुल खोए वाला हो गया। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। देखें बिल्कुल बाजार जैसा खोया लग रहा है ना, ज़रा सा भी इसमें देखने में भी फ़र्क नहीं है और खाने में भी नहीं है। आप इसको अपने पास तैयार करके फ्रीज़र में भी रख सकते हैं ताकि जब भी आपने कोई मिठाई, हलवा या कोई भी चीज़ तैयार करनी हो तो आपके पास खोया तैयार मौजूद हो। तो आपने देखा कि हमने कितनी जल्दी से घर पे खोया तैयार कर लिया। ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली रेसिपी है और अब हम इसे टेस्ट करते हैं। बहुत मज़े का रेसिपी। पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं आपकी पसंद की किसी बहुत अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।